तकरीबन ये 100 से 10 के बीच में हुई है, और ये जो बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा पंचायत 3 की घटना बताई जा रही है, जिस पर जो नाव जो हादसा में डूबा है उस नाव पर तकरीबन 8 लोग सवार थे और सवार होकर गोपालपुर से बाधित की ओर आने की कर तभी अचानक बाढ़ के पानी में नाव डूब गई, जिससे 6 लोग किसी तरह अपना तैर कर जान बचाए, लेकिन एक बच्ची और एक महिला की जान घटनास्थल पर ही हो चुकी है। जिवेश, यहाँ एक बात आपसे समझना चाहेंगे कि लगातार बाढ़ की विभीषिका बिहार झेल रहा है और ऐसे में नाव पलटने के हादसे जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में क्या प्रशासन की ओर से कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है कि नाव पे ज्यादा से ज्यादा लोग सवार ना हो? जी बिल्कुल, प्रशासन अपने ओर से इस चीज की मुहिम चलाए हुए है, लेकिन लोग जो है जो फंसे हुए है गंगा में, कहीं कहीं बीच में टापू के तरह गंगा में जो है सो कुछ जगह सामने आ रहा है और लोग वहाँ मवेशी के साथ अपने बच्चों के साथ फंसे हुए हैं, जहाँ अभी भी प्रशासन का वह सहयोग पूर्ण रूपे नहीं पहुँच पा रहा है। और कुछ ऐसे जिस जगह की यह घटना सामने आई है वहाँ तकरीबन 2 बार नाव से जाने के बाद तीसरी बार उस जगह पर लोग आ जाया करते हैं, और ऐसे में जो है सो यह स्थिति जो सामने आई है उसी का एक नतीजा है। बिल्कुल, ये स्थिति जो है वो बेहद भयावह हो चुकी है और बाढ़ की विभीषिका बेगूसराय ही नहीं पूरा बिहार झेल रहा है, बिहार के कई इलाके बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं और ऐसे में प्रशासन को भी सख्ती बरतने की जरूरत है, ऐसे में लोगों को भी सावधान रहने की बेहद जरूरत है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया जिवेश। बाढ़ की विभीषिका इस वक्त बिहार के कई जिले झेल रहे हैं और ऐसे में बड़े नेता या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर ले तो वो लगातार जिलों का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहां पे जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मुंगेर से जेडीयू के सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और उसके लिए वो मुंगेर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने मुंगेर जिले की सीमा पर बने बाढ़ राहत कैंप का जायजा लिया और इस कैंप में मुंगेर जिले के लगभग 800 बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। बता दें कि 800 बाढ़ प्रभावित लोग इस कैंप में रह रहे हैं। ललन सिंह ने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की और उसके बाद वे मीडिया से रूबरू भी हुए। उन्होंने कहा कि बाढ़ हर साल आती है पर मुझे ये देखना है कि सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा सामुदायिक किचन ठीक से चल रहा है या नहीं। तो आपको बता दें कि ललन सिंह मुंगेर पहुंचे जहां उन्होंने जो सामुदायिक किचन चल रहा है उसका उन्होंने निरीक्षण किया, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। तस्वीरें मुंगेर की हैं। नदी के पानी, नदी का पानी जो बढ़ता है जी, उसका फैलाव होता है दियारा जी, और दियारा बाढ़ग्रस्त होता है जी, ये कोई नई बात नहीं है, ये हर साल की बात है जी। लेकिन जो प्रशासन के स्तर पर सामुदायिक किचन चलाने का और लोगों को राहत शिविर में रखने का जी, ये व्यवस्था हम देख रहे हैं और ये व्यवस्था मुझको लगता है कि बहुत ही बेहतर ढंग से चलाए, क्योंकि अभी तक जितने लोग यहाँ हैं 800 लोग हैं इस शिविर में, किसी ने कोई शिकायत नहीं, लोग अपना अपना आटा और ये सब प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है, लोग खुद से रोटी बना रहे हैं जी, तो ये एक अच्छी पहल है और हम नहीं समझते हैं कि सामुदायिक किचन है। थोड़ा दिन में पानी घटने लगा है गंगा नदी का, तो हमको लगता है अगले चार पाँच दिनों में पानी काफी। और वैशाली जिला के महनार में गंगा के बढ़ते जलस्तर से पंचायत हसनपुर दक्षिणी और उत्तरी के हजारों लोग बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। वहीं अब गंगा और वाया नदी का पानी महनार प्रखंड के कई गांवों का सैकड़ों घरों में घुस चुका है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को सरकार की ओर से कोई सुविधा अब तक नहीं मिल पाई है। सुविधा तो दूर की बात है, प्रशासन और सरकार के द्वारा नाव तक उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसकी मदद से बाढ़ पीड़ित बाढ़ से निकलकर सूखे जगहों पर जा सके। और ऐसे में जब लोगों ने महनार के सीओ से संपर्क करने की कोशिश की तो सीओ ने फोन तक नहीं उठाया। अब इस हालात में लोगों की नाराजगी तो वाजिब है।
मुंगेर में बाढ़ प्रभावितों के बीच सूखा राशन बांटने के लिए 3000 पैकेट सूखा राशन तैयार किया गया है। राशन का पैकेट वार्ड के लोग, दियारा क्षेत्र के लोग और बरियारपुर खड़गपुर के बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच बांटा जाएगा। मुंगेर जिलाधिकारी ने बताया कि मुंगेर में 33 पंचायतों के लगभग 1,75,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की त्रासदी को देखते हुए 20,000 पैकेट सूखा राशन बांटने का लक्ष्य रखा गया है। पूरी मशीनरी, जिला प्रशासन पूरी मशीनरी लगी हुई है बाढ़ राहत आपदा में, जो लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ में उनको राहत पहुंचाने में, और निश्चित रूप से जिला प्रशासन और हमारे पुलिस प्रशासन और सभी लोग इसमें अच्छा कर रहे हैं। सर, अभी कितने लोगों को ये पैकेट देना है सर, कौन कौन लोगों को देना है सर? अभी फिर ये 3000 पैकेट जो है ये यहाँ से निकल रहा है, इसमें कुछ लोकल्स हमारे जो वार्ड के लोग हैं उनको देना है, और दियारा क्षेत्र के कुछ लोग हैं, इसके अलावा हमारा बरियारपुर क्षेत्र और खड़गपुर क्षेत्र वहाँ से कुछ डिलीट किया जाए। और जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र के पंचमहला में मिट्टी के कटाव से 2 मंजिला मकान गिर गया। बता दें कि जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के पंचमहला इलाके में नदी किनारे बना एक 2 मंजिला मकान धाराशायी होकर नदी में गिर गया। नदी में बाढ़ आई हुई थी और इस वजह से लगातार नदी किनारे मिट्टी का कटाव हो रहा है। वहीं मकान गिरने से आसपास में बने कई और मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बता दें कि घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर परिषद के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है, लेकिन अब तक कोई भी पदाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। नदी में बाढ़ आया हुआ था कई दिनों से, तो पानी का हल्फा मेरे घर पे मतलब कि तेजी से मार रहा था, ठीक है, पानी के ही वजह से मतलब कि नीचे से खोखोड़ दिया मिट्टी और मकान मतलब कि धीरे धीरे फंस गया नीचे दिखा, पूरा मकान डैमेज हो गया। हाँ, मकान पूरा डैमेज हो गया और यहाँ पर ढेर सारा मकान बना हुआ है हम लोग के नदी किनारे। हाँ, सब पर धारा लग रहा है, मतलब धीरे धीरे सबका ही मतलब कि हल्का हल्का सबका डैमेज हो गया घर, मतलब बाढ़ के कारण इस तरह। बाढ़ के कारण आप मेरा आपका क्या पूरा छत्तीसगढ़। और इस पर अधिक जानकारी के लिए जहानाबाद से हमारे संवाददाता कुणाल किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, फिलहाल कैसी स्थिति है? 2 मंजिला मकान धाराशायी होकर गिर गया है, वहां पे रहने वालों की हालत कैसी है फिलहाल? जी सर, मिला जैसा आपको बता दें कि थोड़े देर पहले सीओ के अपने दलबल के साथ आए और बचाव राहत कार्य चल रहा है, किसी के क्षति सूचना नहीं है। कुछ दिन पहले ही सील कर दिया गया था। मकान सील होने का कारण था कि इस मकान में शराब का कारोबार चलता था, तो इस कारण मकान प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया था। तो किसी के नुकसान होने की क्षति तो नहीं है, अगल बगल वाले को कुछ क्षति हुई है। सीओ अपने दल वल के साथ पहुंचे हैं और बचाव राहत दल चल रहा है। बिल्कुल, तो आसपास के जो मकान हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जो मौके पर अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। फिलहाल किसी भी जानमाल का नुकसान इस घटना में नहीं हुआ। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया कुणाल। तो आपको बता दें कि जहानाबाद की खबर थी, जहां कटाव की वजह से मकान गिर गया, 2 मंजिला मकान धाराशायी होकर गिर गया और इसकी वजह से आसपास के जो मकान है वो भी क्षतिग्रस्त हो गए। और वैशाली जिले में बाढ़ का कहर लगातार जारी है, हजारों लोग बाढ़ से पीड़ित हैं और ऐसे में जिले के देसरी थाना क्षेत्र के आजमपुर में गंगा नदी से बहकर आए एक मगरमच्छ को वन विभाग एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से पकड़ा गया। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि बढ़ते जल स्तर के कारण गांव में मगरमच्छ पहुंच गया, जिसको लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ नदी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पोखर से बहकर आया था। वहीं वन विभाग के कर्मी मगरमच्छ को पकड़ने में पहले असफल रहे, लेकिन किसी तरह से जाल बिछाकर उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पकड़े गए मगरमच्छ का वजन लगभग 1 क्विंटल बताया जा रहा है। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है।
आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएम के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, ककड़ दादी के छत का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं मधुर वाणी, जिंदगी का सार राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट पापा। बेटा, ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो प्यू, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए, रहो सेफ सैनिटरी पैक से, खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर, छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ। हम तो आपको बताने भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो आए ना, तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी? भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार, तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। हाँ, खुलेंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे।
इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को आईआईटीएम के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, ककर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं मधुर वाणी, जिंदगी का सार राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे समस्तीपुर की, जहां प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के अंतर्गत लाभुकों के बीच थैला वितरण का कार्यक्रम किया गया। उजियारपुर पूर्वी मंडल के पैक्स गोदाम वार्ड नंबर 5 चैता उत्तरी पंचायत में शक्ति केंद्र में इसका आयोजन हुआ। वहीं थैला वितरण सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा किया गया। बीते कुछ दिन पहले बिहार सरकार के प्राथमिक स्कूलों को खोलने का निर्देश दे दिया गया है, जिसके बाद अब बच्चे स्कूल भी आने लगे हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोरोना से बचने का कोई उपाय बच्चों को नहीं कराया गया। पिछले साल कोरोना का कहर, बच्चों को मास्क बांटे गए थे कोरोना के कहर में, लेकिन इस बार ना तो मास्क बांटे गए हैं और ना ही थर्मल स्कैनिंग की कोई व्यवस्था की गई है। देखिए संवाददाता उत्कर्ष की ये पूरी रिपोर्ट। बिहार समेत पूरे भारत में अब जो स्कूल हैं उसे खोल दिया गया है। कोरोना का तीसरा जो स्ट्रेन है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए काफी ज्यादा घातक है। ऐसे में जो बिहार के स्कूल खुले हैं तो कई सारी बातें सामने आ रही थी कि बिहार में जो स्कूल खुले हैं उसके बाद जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं कराया जा रहा है, जो प्रॉपर तरीके से पहली जो स्ट्रेन थी कोरोना की उसके बाद हर स्कूल में मास्क बांटा गया था, सैनिटाइजर बांटे गए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ सरकार द्वारा नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये विफलता जरूर है। आप देख ले, बच्चे जो है वो खुद मास्क खरीद के आते हैं, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर पालन कराई जा रही है, सैनिटाइजेशन जरूर हो रहा है यहाँ पर, लेकिन मास्क का वितरण नहीं है और थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। हमने कई बार ये कहा है कि बच्चों पे कोरोना का काफी ज्यादा कहर हो सकता है, क्योंकि जो साइंस है, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि कोरोना से सबसे ज्यादा जो खतरा है वो बच्चों को होगा। आइए, कुछ बच्चे भी हैं पटना के, हम सरकारी स्कूल में खड़े हैं, इन बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। आप ये बताइए कि आप लोग को मास्क स्कूल की तरफ से मिला है कि खुद से आप लोग पहनते हैं? हम लोग खुद से पहनते हैं। स्कूल की तरफ से आप लोग को मास्क नहीं मिला है? पिछले बार आप लोग को मास्क मिला था? हाँ, मिला था। अच्छा, आप लोग का थर्मल स्क्रीनिंग होता है जब आप लोग आती हैं स्कूल में, तो आप लोगों का बुखार चेक किया जाता है? नहीं, नहीं होता। नहीं चेक किया जाता है। पढ़ाई यहाँ जो टीचर है वो समय पे आते हैं? हाँ, समय पे आते हैं। आपका नाम क्या है? मीना। अच्छा, आप आती हैं तो आपको, आपको ये जो मास्क है वो आप खुद खरीदिए? खुद खरीदे हैं। आपका भी थर्मल स्क्रीनिंग नहीं होता है? नहीं। कौन से क्लास की हैं आप लोग स्टूडेंट? तो आपने साफ तौर पर सुना कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर है लेकिन जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो नहीं हो रही है। बच्चे जो हैं वो स्कूल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोरोना का जरूर डर है। और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से कोरोना का समय है। आप लोगों को डर नहीं लगता है? यस, डर तो लगता है। तो जो मास्क आप लोग पहनती है वो स्कूल की तरफ से मिला है या आप लोग खुद खरीदी? स्कूल की तरफ से मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग वो मास्क नहीं लगा कर खुद खरीद कर लगाए। ऐसा क्यों, स्कूल का मास्क खराब है या फिर फट जाता है? नहीं, मतलब कि अच्छा है, लेकिन फिर भी हम लोग किना रहता है इसीलिए वो लगा लेते हैं। स्कूल वाला भी लगा के आते हैं और किना रहता है वो भी लगा के आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पालन किया जाता है? एक बेंच पे कितने लोग बैठते हैं? दो बच्चे बैठते हैं। हाँ, ये बताइए कौन से क्लास की आप स्टूडेंट हैं? 9th क्लास। क्या नाम हुआ आपका?
तो आपने साफ तौर पर सुना कि जो बच्चे हैं वो भी काफी ज्यादा सजग हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का तीसरा स्ट्रेन है कहीं ना कहीं बिहार में और पूरे भारत में काफी ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है। जो बच्चे हैं उन पे सबसे ज्यादा जो कहर है वो देखने को मिला है, क्योंकि करीब बिहार की बात करें तो 78 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और सरकारी जो खर्चे पर पढ़ाई करते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर जो स्कूल हैं, जो अलग अलग स्कूल हैं बिहार के सरकारी स्कूल, वहां पर अगर कोरोना की टेस्टिंग नहीं होगी, वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग नहीं होगा, मास्क नहीं दिया जाएगा, तो बच्चे काफी ज्यादा बीमार पड़ेंगे। अभी तो विद्यालय का नामांकन 9th में प्लस टू में, प्लस टू का नामांकन शुरू हो रहा है और 9th का नामांकन सितंबर 30 तक वो चलेगा। तो उसके बाद अगर सरकार की मंशा होगी तो टोटल संख्या लेकर के मास्क दे, लेकिन अभी फिलहाल प्राप्त नहीं है, लेकिन विभाग के द्वारा पूर्व में जो दिया गया था उसमें से कुछ शेष है। कुछ विद्यालय अपनी व्यवस्था की ओर से बच्चों, जो बच्चे मास्क लगा के नहीं आते हैं किसी कारणवश, तो उनको हम लोग मुहैया कराते हैं। जब थर्मल स्क्रीनिंग की बात की जा रही है कि थर्मल स्क्रीनिंग हर जगह नहीं हो पा रहा है, क्या इस विद्यालय में थर्मल स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था है? विद्यालय में हमारे यहाँ व्यवस्था है, थर्मल स्क्रीनिंग है भी, और सरकार द्वारा विभाग द्वारा निर्देश भी है कि विद्यालय अपने व्यवस्था से अपने फंड से खरीदे, इसमें किसी तरह की कोई कोताही न बरते, सख्त निर्देश है। सहयोगी अमित के साथ मैं उत्कर्ष, टीटीवी भारत, पटना। और राजधानी पटना में पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान 7 अगस्त से चल रहा है, जहां पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है, वहीं कई वाहनों को जब्त भी किया गया और अब भी चेकिंग जारी है। वहीं पुलिस बिना हेलमेट और बिना गाड़ी के कागजात के पाए जा रहे लोगों का चालान भी काट रही है। और मुजफ्फरपुर जिले में चोरों का आतंक जारी है। ताजा मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने एक मोबाइल दुकान को अपना निशाना बनाकर हजारों रुपए कैश और लाखों का मोबाइल लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वह गए तो बोले कि हमारा दुकान में ताला छोड़ के माने ले गया है सामान चोरी कर। कितना का चोरी लग रहा है? अब चोरी तो आप तो लिख के देंगे, अभी तो लिख के दिए नहीं है, फिर भी एक अंदाजा कितना का लग रहा है। आप बोल रहे हैं कि 40,000 नगद ले गया है, बाकी सामान नहीं। दुकान में सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हुआ था क्या? लगा हुआ है लेकिन बिगड़ा हुआ है। शाम में हम लोग पौने नौ में दुकान बढ़ा के गए, उसके बाद जो है मॉर्निंग में कॉल आया, यहीं बगल के दुकानदार हैं, कॉल किए कि आपका शटर टूटा हुआ। हम लोग वहाँ से आए, देखे कि शटर पूरा उलझा हुआ था। उसके बाद वहाँ पे कॉल किए प्रभारी साहब थे, बोले कि पहले आइए यहाँ पे थाना में आएंगे, उसके बाद जिससे गए हम लोग बोले वहाँ पे अति करवा दिए, उसके बाद वो आए हैं और अभी देखे हैं। और बक्सर में जमीन बेचने के नाम पर ठगी से जुड़े एक मामले को लेकर पुराना भोजपुर के दंपति ने आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय के सामने धरना दिया। उनका कहना था कि उनसे गलत तरीके से 2 कट्ठा जमीन बेचने के नाम पर 1,25,000 रुपए की ठगी की गई, और इस मामले को लेकर उन्होंने अनुमंडल अधिकारी को आवेदन भी दिया था। आवेदन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा उक्त जमीन पर धारा 144 के तहत निर्माण पर रोक लगाया गया था, बावजूद इसके लोग दबंगई से उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मामले को लेकर एसपी नीरज कुमार सिंह ने कहा कि निश्चित रूप से विधि व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आवेदन मैं 4 बार दे चुका हूं एसपी साहब को, मैंने 4 बार आवेदन दे चुका हूं। एसपी साहब यहां से फोन करके थाना पर बताए भी, थाना हमारा बात को नहीं सुनता है। थाना प्रशासन जो है वो खुद वहां पर जा करके उनको मनोज कुमार यादव को जमीन बेच दिया है। वो मनोज यादव को भी हमने बताया है कि जमीन नहीं लेना, इस पर हमने पैसा दे चुके हैं। वो जानते हुए भी बोला कि ये चमार सियारों को मैं सुधारूंगा, मेरे को जमीन दो, ऐसे बोल करके गुंडागर्दियों को वजह से उसने जमीन ले लिया और आज दबंगी बात करता है। और अब बात करते हैं बिहार की बेटी अपर्णा की, जिसने पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है। जी हां, बिहार टू केरला साइकिल से सफर को तय कर एक मिसाल कायम किया है। इस सफर का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इंडिया पर्यावरण संरक्षण अभियान से जुड़ा है, और इस मुहिम में अपर्णा के मार्गदर्शन में उत्पल कांत कुशवाहा ने भी इस मुकाम को हासिल किया है। दोनों साइकिलिंग एथलीट ने इस अभियान की शुरुआत बिहार शरीफ से शुरू की, जो 28वें दिन
3306 किलोमीटर बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु का सफर तय कर केरला पहुंचे। आपको बता दें कि अपर्णा सिन्हा पिछले साल पर्वतारोही में भी अपना परचम लहराकर जिले एवं राज्य को गौरवान्वित कर चुकी हैं और इस मौके पर अर्चना सिन्हा के स्वागत में नालंदा रेलवे स्टेशन को फूलमालाओं से स्वागत किया गया। मैं अपर्णा सिन्हा बिहार से होते हुए झारखंड छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटका केरल से होते हुए मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग पोल्यूशन को बचाएं और साइकिल यूज करें, उससे आपका बॉडी भी फिट रहेगा और पोल्यूशन पे भी कोई खतरा नहीं आएगा। बिहार से झारखंड छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और केरल जो साइकिल टूर का जो श्रेय है वो मेरी बड़ी दीदी अर्चना सिन्हा को जाता है। ये इन्हीं का मतलब आइडिया था कि मतलब पॉल्यूशन के प्रति कुछ करना चाहिए, तो मैं अपना श्रेय अपना। और चलिए नजर डालते हैं झारखंड की खबरों पर, बात करते हैं जमशेदपुर की, जहां पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय बुधवार को फिर ऐतिहासिक जुबली पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने टाटा स्टील और जिला प्रशासन को फिर से नसीहत देते हुए जुबली पार्क से होकर गुजरने वाली सड़क को आम लोगों के आवागमन के लिए खोले जाने की मांग की। वहीं टाटा स्टील के विस्तारीकरण को उन्होंने जनहित के लिए सही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि सड़क को बंद करने से लाखों लोगों को लंबी दूरी तय कर शहर के दूसरे हिस्सों में जाना होगा और शहर के ट्रैफिक पर अनावश्यक भार पड़ेगा। उन्होंने संवाद के जरिए उक्त मार्ग को खोले जाने की बात कही। और सरायकेला जिले के चांडल थाना क्षेत्र के पास सड़क हादसे में कार सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घायल तीनों युवकों को चांडल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद तीनों को एमजीएम रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद चांडल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि तीनों देवरी मंदिर से पूजा कर वापस आ रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही बोलेरो ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। अश्लीलता से दूर, भक्ति